बिहार में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन चलता हो, लेकिन खुद उनके गृह जिले नालंदा में सुनीता मैडम का सिक्का चलता था। जी हां, शराब की काली दुनिया में सुनीता मैडम ने जो साम्राज्य खड़ा किया, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। की रात्रि आरा सुबह जो है वो इनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग किए हैं, जिनमें 4 लोग जो है वो प्राथमिकी अभियुक्त हैं और 2 लोग अप्राथमिकी हैं जिनका नाम जो है अनुसंधान के क्रम में आया है। जो लोग प्राथमिकी अभियुक्त हैं उनका नाम मैं पढ़ देता हूँ, सुनीता देवी, मीना देवी, सिंटू कुमार, सूरज कुमार, और 2 लोग अप्राथमिकी हैं, डिंपल कुमार और सौरभ कुमार। नालंदा में जहरीली शराब कांड होने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सुनीता मैडम को गिरफ्तार कर लिया है। सुनीता मैडम किसकी मैडम थी ये मत पूछिएगा, वरना बवाल हो जाएगा। इन लोगों से पूछताछ की गई और इन लोगों ने जो है अपना जो इनका कृत्य था इसको स्वीकार किया है कि इन लोगों के द्वारा जो है शराब बेची गई और वहाँ पर पैकिंग की गई और उससे जो है ये घटना हुई है। 2 जगह ये शराब मूलता जो है वो बेची गई, एक मीना देवी के घर पर और एक जो है डिंपल कुमार के घर पर। इन लोगों के यहाँ शराब पीने से ही ये जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं और लोग बीमार पड़े हैं, कुछ लोग अभी भी इलाजरत हैं। बिहार पुलिस सुनीता मैडम और उनके पुत्र सूरज सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है। सुनीता मैडम और उसके गुर्गों को दबोचने के बाद शराब कांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 13 हो गई। इस मामले में सोहसराय थाने में कुल 6 केस दर्ज हुए हैं, इनमें 8 लोगों पर हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी छापामारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, नालंदा। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।